पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बीच में हमने बायोलॉजी के कुछ पाठों का अध्ययन किया। तो 10वीं में साइंस में जो अध्याय 11 है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस में इस अध्याय में से कुछ शुरू का पोर्शन हटा दिया गया है, जैसे मानव नेत्र और दृष्टि दोष। आपको जहाँ प्रिज्म है, प्रिज्म से शुरू करना है, उसका 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो ये आप देखेंगे कि प्रिज्म में से प्रकाश का परावर्तन। अब प्रिज्म क्या है? आपने शुरू में देखा था, एक कांच का आयताकार गुटका होता था, शुरू में पढ़ाया था, कांच का आयताकार गुटका। ऐसे ही जो प्रिज्म होता है वो एक त्रिभुजाकार, कांच का एक त्रिभुजाकार रचना है, ठोस रहती है कांच। ये देख रहे हो आप, एक त्रिभुज जैसी रचना है। तो ये इसके मतलब ये 3 आयताकार भाग हो जाते हैं, 1, 2 और 3। और उसके जो साइड के ये पृष्ठ होते हैं, और इस प्रकार ये 3 पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। और इसके बीच के जो ये देख रही हो ना, ये कोण देख रहे हैं आप, ये कहलाते हैं प्रिज्म कोण। आप ए को भी बोल सकते हो, बी को, ये इसको भी प्रिज्म कोण बोल सकते हैं, और इसको भी प्रिज्म कोण कह सकते हो। ये सब कोई भी 2 फलकों के बीच जो कोण बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण बोलेंगे। तो अब प्रकाश इसमें से होकर गुजरेगा, एक प्रकाश की किरण को हम इस प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं। आप पहले पढ़ चुके हो कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो उनमें अपवर्तन की घटना होती है। अपने माध्यम से वो किरण थोड़ा सा विचलित हो जाती है। वैसे प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे चलती हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर उनको विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरना पड़ता है। आप देखेंगे कि एक पी और ये किरण है, आप देख रहे हो ना, पी और किरण है, ये यहाँ जा रही है, और यहाँ के बाद इसको जाना चाहिए ये एच, लेकिन ये थोड़ा सा ये अभिलंब है, एन और एन डैश, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पर आप देखेंगे आई आपतन कोण बनेगा। इस प्रकार आप ये जा रही है कांच के अंदर, और फिर एक अभिलंब इसको मिल रहा है एम एम डैश, और ये देखेंगे इस अभिलंब से थोड़ा सा क्या हट गई? दूर। और ये जो किरण है, ये निर्गत किरण है। तो इस प्रकार आप इसका नामांकन यहाँ भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो ना, PE एक आपतित किरण है, और EF, ये E और F एक प्रिज्म के अंदर ये अपवर्तित किरण, और F और ये S है निर्गत किरण, और ये कोण है प्रिज्म कोण। ये देख रहे हैं, कोई भी 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाएगा? प्रिज्म का कोण। अब यहाँ ये अभिलंब और ये अभिलंब है, और ये आप देख रहे हो आपतित किरण है, तो इसके बीच का कोण बनेगा जो आई, वो आपतन कोण, और अंदर जो कोण बन रहा है आर, वो अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। इसी प्रकार अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो ई कोण है, वो निर्गत कोण है, और डी है विचलन। विचलन कोण क्या है? वैसे प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं वो उसका मार्ग ये हो गया, तो ये किरण और जो अपवर्तित हो रही है उस किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। तो हम इस प्रकार कांच के जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है, उसमें से हम प्रकाश का क्या करवाते हैं? परावर्तन करवा सॉरी अपवर्तन करवाते हैं। परावर्तन तो दर्पण में होता है, यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की घटना हो रही है, क्योंकि पारदर्शी माध्यम है। अब हम एक प्रिज्म में से एक श्वेत, वैसे तो एक श्वेत प्रकाश की किरण मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक प्रकाश की किरण
जब किसी प्रिज्म में से होकर जाती है तो वो अपने सात रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है। अब वो सात रंग कौन से हैं आप देखेंगे, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल। ये देखिए आप, सात रंग हैं और ये सात रंगों का एक क्रम है। तो उस क्रम को याद करने के लिए एक स्पेलिंग बनाई गई है, बिबग्योर। आप इस स्पेलिंग को याद करें तो आपको क्रम मालूम हो जाएगा। ये वायलेट एक सिरे पर बैगनी है, एक सिरे पर लाल है। तो इस ये जो आप देख रहे हो, ये जो सात रंग निकल रहे हैं, इस सात रंगों को हमने एक पर्दे में प्राप्त कर लिया। तो जब हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं तो रंगों का जो एक बैंड बनता है, एक पट्टी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और विक्षेपण क्या है, श्वेत प्रकाश का अपने सात रंगों में अलग होना क्या कहलाता है, विक्षेपित होना क्या कहलाता है, विक्षेपण। और स्पेक्ट्रम क्या है, ये सात रंग हो गए, इस स्पेक्ट्रम सात रंगों को हमने एक पर्दे में प्राप्त कर लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। क्या बन रहा है ये, आप देखेंगे कि लाल रंग सबसे, लाल रंग की जो किरण है वो सबसे ऊपर है। इसका कारण है कि लाल रंग की किरण सबसे कम विक्षेपित होती है, विक्षेपित होना मतलब मुड़ना, और बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक मुड़ती है, इसलिए वो नीचे है। और इस प्रकार ये बिब ग्योर, इस प्रकार ये स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ये देखिए एरो, एरो आपको जरूर लगाना है, बिना तीर के निशान से हमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा। तो इस प्रकार ये प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या किस प्रकार स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये सात रंग हमें क्यों दिखाई देते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो सात रंग हैं अलग अलग, उनका जो अपवर्तन है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी तरंग दर्द की तरंग की लंबाई अलग अलग है। तो इस प्रकार ये हमें सात रंग दिखाई देते हैं। सबसे कम लाल रंग की प्रकाश की किरण सबसे कम झुकती है और नील बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा झुकती है, इसलिए वो सबसे नीचे पाया जाता है। अब न्यूटन ने सोचा कि प्रकाश सात रंग से मिलकर बना है, तो उसने देखा कि जब ये सात रंगों को हम मिलाएं तो हो सकता है हमें फिर से श्वेत रंग का प्रकाश प्राप्त हो जाए। तो उसने क्या किया, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम को फिर से जोड़कर बनाया। उसने क्या लिए, इसके लिए दो प्रिज्म लिए, दो प्रिज्म, और उनको उल्टा करके अपोजिट साइड में देखें, एक प्रिज्म यह है और दूसरा प्रिज्म का यह नुकीला सिरा, इनको इस क्या कर दिया, इस प्रकार पास पास रख दिया, बिल्कुल सटाकर। उसने एक प्रकाश की किरण जब डाली तो ये सात रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। आप आर देख रहे हो ना, रेड लाल रंग और वी वायलेट। और उस जब ये सात रंग दूसरे प्रिज्म में से निकलते हैं तो ये पूरा सात रंग मिलकर एक श्वेत प्रकाश बनाते हैं। तो इस प्रकार उसने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का क्या किया, पुनर्योजन किया। तो ये चित्र भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार हम उनका संयोजन करके किस प्रकार हम पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको इस पाठ में पढ़ना है कि ये प्रकाश की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकाश संबंधी, ये आपको अभी है, ये हटा नहीं है। तो प्राकृतिक घटनाएं जितनी हैं प्रकृति में होती हैं प्रकाश से संबंधित, तो पहली घटना है इंद्रधनुष का बनना। और ये शायद इंद्रधनुष सभी ने देखे हुए हैं, बारिश के समय कभी बन जाते हैं। तो अभी इंद्रधनुष में हमें ये सात रंग क्यों दिखाई देते हैं, तो वास्तव में जब प्रकाश में तीन घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन,
ये जो पानी की जब गिरता है तो आप देखते हैं ना, इस प्रकार एक पट्टी हमें दिखाई देती है बारिश में, कभी कभी सूर्य के विपरीत दिशा में हम खड़े हो जाएं, तो ये सात रंग आप ध्यान से देखेंगे तो बिबग्योर, एक साइड आपको वायलेट और एक साइड आपको ये रेड दिखाई देगा। तो देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की जो बूंदे होती हैं उसमें पड़ता है तो उसमें बार बार अपवर्तन की घटना होती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, और अंदर ही अंदर एक परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है, और इस प्रकार जब किरण निकलती है तो हमें इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। ये दिख रहा है आपको, बादल की ओर देखते हैं तो जब इंद्रधनुष बनता है तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और जो जल की एक बूंद है वो किसका काम करती है, एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जैसे आपने देखा ना, प्रिज्म में सात रंग का स्पेक्ट्रम बनता है, तो प्राकृतिक जो घटना है उसमें पहला है इंद्र धनुष का बनना, दूसरी घटना है तारों का टिमटिमाना। ये हम रात में जब तारे दिखाई देते हैं तो हमें ऐसा लगता है इनकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये तारे की सही स्थिति है, और जो प्रेक्षक है देखने वाला उसको लगता है तारा यहाँ से दिखाई देता, कुछ देर बाद तारा उसको यहाँ दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है कि जो तारा स्वयं प्रकाशित है, इससे जो प्रकाश निकलता है तो जब वो वायुमंडल, ये क्या है, वायुमंडल है, ये बढ़ता हुआ अपवर्तनांक, वायुमंडल की विभिन्न परतों से जब वो गुजरता है तो अपने मार्ग से प्रकाश की किरणें विचलित होती हैं, हैं? और जब ये आंखों में प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो हम इस ये प्रकाश झिलमिलाता रहता है और तारे हमको ऐसा लगता है टिमटिमा रहे हैं। तो वास्तव में जो तारे का टिमटिमाना है वो वास्तव में कौन सी घटना है, अपवर्तन की, कौन सी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन होता है जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त की घटना होना। ये अग्रिम सूर्योदय क्या है, सूर्य का जब उदय होता है उसके कुछ देर पहले, और सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य का डूबना। तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में जो सूर्य का जब अस्त होता है तो वो हमें क्या होता है, या जब सूर्योदय होता है तो 2 मिनट पश्चात तक हमें दिखाई दे देता रहता है। तो जब वास्तव में सूर्योदय हो रहा है तो ये देख रहे हो एक क्षितिज की एक लाइन है, ये एक क्षितिज रेखा है, तो जो देखने वाला है ये वास्तविक सूर्य है लेकिन उसको देखने में ऐसा लगता है कि सूर्य यहाँ से निकल रहा है। तो वास्तविक सूर्यास्त और जो आभासी सूर्यास्त है उसमें लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, ये हमें पहले से ही सूर्य का उदय दिखाई देने लगता है, और इसी प्रकार जब सूर्य का अस्त होता है तो 2 मिनट बाद भी हमें दिखाई देने लगता है कि अस्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो वास्तव में जो सूर्य है तो वो जो सूर्य की चक्रिका है वो कैसी होती है, चपटी प्रतीत होती है। तो वायुमंडल में जो अपवर्तन की घटना होती है उसका प्रभाव हमारे सूर्योदय और सूर्यास्त पर भी पड़ता है, वो भी अपवर्तन की घटना है। अब एक अगला प्रकाश से संबंधित एक परिभाषा आती है, प्रकीर्णन क्या है। आपने 9th में टिंडल प्रभाव भी देखा है कि वायु में जो धूल के कण होते हैं तो ये प्रकाश के, उसमें जो प्रकाश के विभिन्न रंग हैं वो वायुमंडल में क्या होते हैं, फैल जाते हैं धूल के कण के कारण, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। आपने टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णन की ही घटना होती है। अगली घटना है स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देना। अब नीला रंग है तो प्रकाश में सात रंग, कितने रंग हैं, सात रंग, लेकिन हमें नीला रंग का आकाश क्यों दिखाई देता है, इसका कारण है कि वायु में जो सूक्ष्म कण हैं
वो नीले रंग को अधिक तीव्रता से क्या करते हैं, फैलाते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन करना मतलब फैलाते हैं, यह नीला रंग तेजी से फैल जाता है और हमारी आंखों में जब जाता है तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का प्रतीत होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, आपने देखा ना, जब भी खतरे की घंटी बजती है तो एक लाल रंग का कुछ ऐसा झंडी वगैरह लगा देते हैं, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो फैलता नहीं है। कभी हमें अंधेरे में भी लाल रंग आसानी से दिखाई देता है, लेकिन जो नीला रंग है इसका प्रकीर्णन धूल के कण और सूक्ष्म कण इसको अधिक तीव्रता से क्या करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगली घटना है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल एकदम रक्त, देखा ना, सूर्योदय सूर्य एकदम लाल रंग का दिखाई देता है। तो क्या होता है, जब सूर्य से या हमारा प्रकाश आता है, वायुमंडल की बहुत सारी परतें, मोटी परतें मतलब बहुत सारी परतें से गुजरना पड़ता है, जब सूर्य एकदम ऊर्ध्वाधर सिर के ऊपर हो तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो एकदम कम दूरी चलेगा, और दोपहर के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमें क्या होता है कि कम दूरी उसको तय करनी पड़ती है, और इस प्रकार नीले और बैंगनी वर्ण का थोड़ा भाग प्रकीर्ण हो पाता है क्षितिज के समीप। क्षितिज एक प्रकार की लाइन होती है, ये इस प्रकार आप देख रहे हो ना, तो जब हमारा सूर्य बिल्कुल क्षितिज के क्या होता है, निकट होता है, तो नीले रंग और कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है वो कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमें नेत्रों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है वो अधिक तरंग दैर्ध्य, अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी रहती है, लाल रंग की। तो इस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें एकदम लाल रक्ताभ, रक्ताभ मतलब रक्त के कलर का दिखाई देता है। तो ये थी कुछ प्राकृतिक घटनाएं प्रकाश से संबंधित। तो अब इसमें कुछ प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण की घटना आप समझाइए, परिभाषा लिखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव 9th में भी पढ़ा है, प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इस प्रकार ये टिंडल प्रभाव का उत्तर भी आपको लिखना है। थैंक यू।